कर्ज चोरी की कमाई की रफ्तार बढ़ती जा रही है। फिल्म के रिलीज के चौथे दिन 10.07 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 42.72 करोड़ रुपए हो गया है। करीब 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत पहले ही निकाल ली थी। अब फिल्म मुनाफे की तरफ बढ़ चली जा रही है। फिल्म को लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सी को देखने को मिल रहा है। बंगाल सरकार ने तो फिल्म पर बैन ही लगा दिया, इसके बावजूद फिल्म की कमाई में थोड़ी भी गिरावट देखने को नहीं मिली। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन शेयर करते हुए लिखा, द कर्ज चोरी ने मंडे टेस्ट को डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ किया। वर्किंग डे होते हुए भी फिल्म ने 10.07 करोड़ की कमाई की है। आज 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। फिल्म की अब तक की कुल कमाई 45.72 करोड़ हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या यह फिल्म सलमान की किसी का भाई किसी की जान को पछाड़ने में कामयाब हो पाती है। द केरल स्टोरी फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। सीएम खुद 12 मई को कैबिनेट के साथ मूवी देखेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में पहले ही फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव ने कहा, मूवी पूरी तरह सच है। उधर फिल्म टैक्स फ्री होने के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। जाहिर है कि टैक्स फ्री होने से फिल्म की कमाई में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।